महंगाई दर भले ही 6% के नीचे आ गई हो, भले ही 7 कमोडिटी वायदा पर लगे 1 साल के बैन की मियाद कल पूरी हो गई हो, लेकिन सरकार आगे भी इसे जारी रखने का मन बना रही है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार 7 कमोडिटीज वायदा पर बैन को 1 साल के लिए और बढ़ा सकती है। दरअसल सरकार इस बारे में जल्द ही फैसला ले सकती है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार महंगाई के कारण वायदा पर बैन आगे भी जारी रखती है। आपको बता दें कि 20 दिसंबर 2021 को सरकार ने वायदा पर बैन लगाया था। सरकार ने 7 कमोडिटीज वायदा पर बैन लगाया था क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी और उस पर काबू करने के लिए वित्त मंत्रालय ने कुछ कमोडिटीज को के वायदा कॉन्ट्रैक्ट को कारोबार को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया था। सरकार ने धान, गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन, सीपी और मूंग के वायदा पर रोक लगाई थी। इससे पहले साल 2005 में रो जूट वायदा पर बैन लगाया गया था और उसके बाद साल 2007 में चावल, गेहूं, तुअर, उड़द वायदा पर बैन लगाया गया और वहीं साल 2021 में सोयाबीन, चना, मूंग, धान, क्रूड पाम ऑयल के वायदा पर बैन लगा दिया गया। दरअसल कॉमोडिटी पार्टिसिपेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सीपीएआई ने सरकार और मार्केट रेगुलेटर सेबी से क्रूड पाम ऑयल और गेहूं समेत 7 एग्रीकल्चर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडिंग कारोबार शुरू करने की अपील की है। सेबी के बैन को लागू हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं। सीपीएआई ने कहा है कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए वायदा में कारोबार जरूरी है। वायदा बैन महंगाई कम करने में ज्यादा मदद नहीं मिली है। वायदा ट्रेडिंग पर रोक लगाने से इम्पोर्टर्स को नुकसान हुआ है, वहीं इम्पोर्टर्स को इंटरनेशनल घरेलू कीमतों में उतार चढ़ाव से नुकसान सहना पड़ा है। दरअसल दलहन और तिलहन की कीमतों में तेजी के बाद सरकार ने ये कदम उठाया था। खाद्य वस्तुओं की कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार ने इन कमोडिटीज के वायदा कारोबार पर रोक लगाई थी। वहीं जानकारों का कहना है कि वायदा से निवेशकों को बाजार में पैसा लगाने का मौका मिला था, साथ ही किसानों को उचित कीमत दिलाने में भी मदद मिल रही थी, साथ ही वैश्विक स्तर पर कीमतों के उतार चढ़ाव का फायदा मिला था। कमोडिटी की वैल्यू चेन को मजबूत करता है, फर्मों को उचित कीमत पर रॉ मटेरियल इससे मिलता है, साथ ही कमोडिटी ट्रेड से एग्री इंफ्रा को भी मजबूती मिलती है। ऐसे में कुछ जानकार मानकर चल रहे हैं कि सरकार को वायदा कारोबार को एक बार फिर से शुरू कर देना चाहिए, तो वहीं कुछ का कहना है कि इसको अभी कंटिन्यूशन में रखना चाहिए। बहरहाल सरकार की तरफ से अभी फिलहाल कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार इन कमोडिटीज के ऊपर बैन को अभी जारी रख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।